It was the most requested recipe I'm gonna share today. So let's make idli in my style. So here I have taken 1 cup of urad dal. I washed it and soaked it for 6 to 7 hours. After soaking it, I made sure I wash it 3 to 4 times. और उसके बाद में I make a paste in a jar. तो यहाँ पे आप देख सकते हो I have made a very fine paste. तो मैंने क्या किया है, वो पेस्ट है मैंने अच्छे से निकाल दिया है एक बाउल में. और यहाँ पे मैं हमेशा क्या करती हूँ, व्हेन आई टेक 1 cup ऑफ उड़द दाल आई टेक 3 cups ऑफ रवा इडली. दिस रवा इडली यू गेट इट इन एनी इंडियन स्टोर. तो एक टिप शेयर करूँगी, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई वॉश द रवा इडली इन अ वॉटर. ओके, और एक ना फ्लफ़ी हो जाती है यू नो इडलीज भी. अच्छे से ट्राई करना ये टिप हमेशा. तो वॉश करने के बाद क्या करना है आपको, ये जो आपका इडली रवा है आपको, तो इडली रवा वॉश करने के बाद मैंने ये यू नो जो मैंने पेस्ट बनाया है रवा इडली का वो उसमें मैंने डाल दिया है. और ओनली इफ़ यू नीड वाटर मेक श्योर यू ऐड वेरी लेस वाटर. और इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको और यू हैव टू फर्मेंट इट फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 hours एंड यू हैव टू कीप इट इन अ वेरी हॉट एंड वार्म प्लेस ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए. सो द नेक्स्ट डे व्हेन आई सॉ इट वाज वेरी वेल फर्मेंटेड एंड द इडलीज हैव टर्न्ड आउट वेरी डिलीशियसली. तो आपको जितना चाहिए क्वांटिटी आप निकाल सकते हो एक बाउल में. और वहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे 3 to 4 spoons ऑफ इडली निकाल दिया है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा पानी लाइक हाफ कप ऑफ पानी मैंने यूज़ किया है और मेड अ वेरी फाइन यू नो एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी होने के लिए. तो फिर मैंने क्या किया है, जो इडलीज बनाते हैं उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल गार्निश किया है ताकि जब आप इडलीज आपके कुक हो जाए वो अच्छे से निकल जाए. और मैंने एक एक स्पून उसमें डाल दिया है एंड आई स्टीम्ड इट. तो स्टीम के लिए मैंने क्या किया, एक बड़ा सा पॉट लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और ये इडली उसमें मैंने डाल के रख दिया है फॉर 10 minutes एंड द इडलीज वर कुक्ड डिलीशियसली. वी ऑल इन्जॉय इट. आई होप यू ऑल्सो गोना इन्जॉय दिस रेसिपी. सी यू अगैन विद अनादर गुड एंड यमी वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.